उत्खनन पर पुख्ता कार्रवाई का अभाव, नर्मदा किनारे भारी मात्रा में अवैध उत्खनन, रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस ने पकड़े चार डंपर। मां नर्मदा किनारे स्थित ग्रामों में धड़ल्ले से चल रहे बालू रेत के अवैध उत्खनन कारोबार पर खनिज विभाग सहित जिला प्रशासन रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। अवैध उत्खनन पर पुख्ता कार्रवाई के अभाव में रेत माफिया प्रतिदिन नर्मदा नदी से लाखों रुपए की रेत उत्खनन कर रहे हैं, जिसके कारण खनिज संपदा को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बड़वा पुलिस ने रेत से भरे चार डंपरों को परिवहन करते हुए महेश्वर के ग्राम सुलपुर से ग्राम लालपुरा में भरकर बड़वा से बिड़िया जाने के दौरान पकड़ा, जिसमें अधिक मात्रा में रेत भरी हुई थी। थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि यातायात व्यवस्थाओं के दौरान ओवरलोड रेत से भरे चार डंपरों को रास्ते में पकड़ा गया। रॉयल्टी से अधिक रेत ले जाने के मामला है, जिनका पंचनामा बनाकर कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को खरगोन को सौंपा गया है। डंपर चालकों द्वारा रॉयल्टी पेश नहीं की गई, लेकिन रॉयल्टी महेश्वर तहसील के सुलगांव पंचायत के ग्राम लालपुरा की बताई जा रही है। यातायात व्यवस्था के दौरान चार डंपर एक साथ जो कि रास्ते में खड़े थे, उनको जब चेक किया तो उनमें ओवरलोड रेत भरी हुई थी, तो उनको पंचनामा बना करके और खनिज विभाग की ओर उसकी जो रिपोर्ट है भेजी जा रही है। रॉयल्टी से अधिक रेत ले जाने का मामला है, खनिज विभाग को सौंपा गया। सर रॉयल्टी कहाँ की है? रॉयल्टी अभी उन्होंने पेश नहीं करी है, उनका कहना है कि लालपुरा की रॉयल्टी है।